हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज हम केमिकल काइनेटिक का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। देखो, फर्स्ट लेक्चर का मैंने वीडियो डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। आज के लेक्चर में हम ऑर्डर, मोलिकुलरिटी, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटरवल फॉर्मूला, हाफ लाइफ, ये पढ़ेंगे। देखो, मोलिकुलरिटी पर बात करते हैं सबसे पहले। देखो, आगे के लेक्चर में मैं आपको एक थ्योरी बताऊंगा, कोलिजन थ्योरी। वो कोलिजन थ्योरी ये बोलती है कि जब रिएक्टेंट के पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे तब प्रोडक्ट बनेगा। अब जितने पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं वो रिएक्शन की मोलिकुलरिटी है। अब देखो, मोलिकुलरिटी केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। कहने का मतलब है कि जो रिएक्शन एक स्टेप में ही कंप्लीट होती है, मोलिकुलरिटी बस उसी के लिए होती है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि जितने पार्टिकल रिएक्टेंट के रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे ही हम मोलिकुलरिटी कहते हैं। तो देखो, मोलिकुलरिटी तो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। अब स्पीसीज का मतलब देखो, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आपके पास आयन भी हो सकता है। ठीक है, कि कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो, चाहे एटम कर रहा हो, चाहे मॉलिक्यूल कर रहा हो, चाहे आयन कर रहा हो, उनके नंबर को ही हम मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे। टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉल्ड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब देखो, मान लो आपके पास एच आई है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो ये डिकम्पोज होकर के एच टू और आई टू बनाता है। तो एच आई के कितने पार्टिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? दो पार्टिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो गई? दो हो गई। ऐसे ही मान लो अमोनियम नाइट्राइट है, ये डिकम्पोज होकर के N2 और H2O बना रहा है, तो इसके कितने पार्टिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक पार्टिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसकी मोलिकुलरिटी हो गई एक। तो सिंपली हम मोलिकुलरिटी उसको बोल सकते हैं कि कितने पार्टिकल रिएक्टेंट के रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ही उसकी मोलिकुलरिटी है। अब देखो, हम बात करते हैं ऑर्डर की, कि ऑर्डर क्या है। तो देखो, आपने लास्ट लेक्चर में रेट लो एक्सप्रेशन पढ़ा है, कि रेट लो एक्सप्रेशन ये बोलता है कि जो रिएक्शन की रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होती है, जिसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर के रूप में लगे रहते हैं। अब उस पावर का जो सम होता है उसे हम ऑर्डर बोलते हैं। तो सिंपली हम लिख सकते हैं द सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब मान लो आपके पास कोई रिएक्शन ये हो रही है, गिव्स आउट सी सी और डी डी। अब देखो, इसके लिए आप रेट लिखोगे तो आपका कांस्टेंट रेट कांस्टेंट, और ए की पावर मान लो एक्स है और बी की पावर मान लो वाई है, तो आपके पास ऑर्डर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। अब स्टूडेंट्स देखो, इसमें बहुत बड़ी बात बनती है। आप ये पूछोगे कि सर, आपने जो रेट लो बताया था तो उसमें हमने रेट ये लिखी थी। तो देखो, रेट लो में तो वैसे ही लिख सकते हैं कि ए की पावर ये और बी की पावर ये। अब देखो, ये दिक्कत कब आती है? जब आपकी रिएक्शन मान लो एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है। देखो, अभी बताता हूं, आप ये ऊपर वाला लिख लो, जैसे मान लो आपकी रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है। मान लो ये रिएक्शन आपके पास 2N2O5 gives out 4NO2 plus O2। अब देखो, इसके हिसाब से अगर आप इसकी रेट लिखोगे तो रेट आपके पास, ये आपका रेट कांस्टेंट और N2O5 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम पावर के रूप में लगाते हैं, तो इसका ऑर्डर आपके पास
आ गया टू, जो कि गलत है क्योंकि यह रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है। अब देखो रिएक्शन कैसे ये प्रोसीड होती है कि N2O5 स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, एक N2O5 डिकम्पोज होगा और NO2 और NO3 बनाएगा। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, आपके पास दूसरा N2O5 है वो इस इंटरमीडिएट NO3 के साथ रिएक्शन करेगा और आपके पास 3NO2 और O2 बनाएगा। अब रिएक्शन को जोड़ दो, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 2N2O5 गिव्स आउट, ये तीन और एक ये चार हो गए ना, 4NO2 प्लस O2। अब ये रिएक्शन ऐसे प्रोसीड होती है। अब देखो जो रेट बताने वाली स्टेप होती है वो फर्स्ट स्टेप होती है, हम केवल फर्स्ट स्टेप को ही देखते हैं। तो अब इसकी रेट लिखो, तो रेट बराबर ये आपका रेट कांस्टेंट और N2O5 कितना आया है फर्स्ट स्टेप में, ए क्या है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग तो ऑर्डर आपके पास दो आ रहा था और इसके अकॉर्डिंग आपके पास ऑर्डर ये एक आ रहा है। तो जो ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ए और बी लिखने के बजाय एक्स और वाई लिखे। तो ध्यान रखना ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। तो आप स्टूडेंट्स इनको लिख लो। अब देखो हम मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस करेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक तरफ तो हम लिख लेते हैं मॉलिक्यूलरिटी और एक तरफ लिख लेते हैं ऑर्डर। तो देखो मॉलिक्यूलरिटी फर्स्ट डिफरेंस तो आप डेफिनेशन का लिख दो, तो मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन लिख दो और ऑर्डर की डेफिनेशन लिख दो। फर्स्ट जो डिफरेंस है वो दोनों की डेफिनेशन लिख दो। सेकंड देखो मॉलिक्यूलरिटी हम देख के ही बता देते हैं, यानी कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलरिटी, इट इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब ऑर्डर अभी आपने देखा है, ऑर्डर आप देख करके बता ही नहीं सकते, ये क्या है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मॉलिक्यूलरिटी केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, यानी कि उन्हीं रिएक्शनों पर मॉलिक्यूलरिटी एप्लीकेबल है जो एक स्टेप में होती है। तो इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन एलिमेंट्री रिएक्शन। अब देखो ऑर्डर आपका जो है वो एलिमेंट्री यानी कि एक स्टेप में होने वाली रिएक्शन पर भी एप्लीकेबल है और कॉम्प्लेक्स जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है उन पर भी एप्लीकेबल है। तो इट इज एप्लीकेबल ऑन बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब देखो जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। देखो मॉलिक्यूलरिटी आपने कहा है कि कितने रिएक्टेंट के पार्टिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जीरो होने का मतलब कोई रिएक्टेंट का पार्टिकल पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो कब रिएक्शन कैसे होगी। तो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ना ही कभी फ्रैक्शन के रूप में मॉलिक्यूलरिटी हो सकती है। अभी ये थोड़ा ना हो सकता है कि कोई हाफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, करेगा तो पूरा मॉलिक्यूल करेगा, तो कभी भी फ्रैक्शन के रूप में नहीं हो सकती और कभी भी तीन से ज्यादा नहीं हो सकती। क्योंकि देखो पार्टिकल जब कोलाइड करेंगे तो उनको हम मॉलिक्यूलरिटी बता रहे हैं, तो दो पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, तीन पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, लेकिन तीन पार्टिकल से ज्यादा पार्टिकल एक साथ कोलाइड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो तीन से ज्यादा पार्टिकल कोलाइड करेंगे ना तो उनको वो सरफेस नहीं मिलेगी, चारों पार्टिकल एक साथ एक दूसरे के टच में नहीं आएंगे, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी तीन से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इट कैन नॉट बी जीरो, जीरो इन फ्रैक्शन एंड ग्रेटर देन कि ना ही तो ये जीरो हो सकती, ना ही फ्रैक्शन में हो सकती और ना ही तीन से ज्यादा हो सकती। अब देखो यह जीरो भी हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है, इट कैन जीरो एंड
एंड फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल। तो स्टूडेंट्स कॉपी कीजिए इनको। तो स्टूडेंट्स अब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे। तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती कौन सी है कि वह रिएक्शन जिसमें जो रिएक्शन की रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करती है कि आप रिएक्टेंट कम लो चाहे ज़्यादा लो वो उसी रेट से रिएक्शन प्रोसीड होगी उसी रेट से चलेगी यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। यानी कि आप बोल सकते हो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जीरो पावर के प्रोपोर्शनल होती है। जीरो पावर का मतलब ये हो गया कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर रिएक्शन की रेट डिपेंड नहीं कर रही है। तो सिंपली आप बोल सकते हो इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रिएक्शन रेट इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कि या तो आप लिख सकते हो कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है या फिर देख सकते हो कि जो रेट है वो प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जीरो पावर की। तो देखो कोई रिएक्शन मानते हैं लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन। तो आपके पास ये कोई ए है रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट पी बना रहा है। तो देखो मान लो टी बराबर जीरो पर टी बराबर जीरो का मतलब हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी ए मोल पर लीटर स्मॉल ए यानी कि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई हमने रिएक्टेंट ले रखा है मान लो ये मान लो और रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुई टी बराबर जीरो का मतलब है रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो ए है तो प्रोडक्ट तो जीरो होगा क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। अब देखो एट टी टाइम अब देखो टी टाइम पर मान लो ए में से अक्स मोल प्रोडक्ट बन गए तो रिएक्टेंट तो कम हो गया ना तो कितना बचा अक्स अगर प्रोडक्ट बन गए तो ये बचा ए माइनस अक्स क्योंकि रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होगा अगर रिएक्टेंट के अक्स मोल प्रोडक्ट बन गए तो रिएक्टेंट बचा ए माइनस अक्स और प्रोडक्ट कितना बन गया अक्स मोल बन गया अक्स मोल बन गया। अब देखो रेट जो आपकी होती है आप जानते हो कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज कितना हुआ है ए माइनस अक्स अपॉन डी टी रेट आप लिख सकते हो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन चेंज में लगा टाइम और रिएक्टेंट कम होगा तो हम माइनस का साइन लगाते हैं। ऐसे ही अगर आप प्रोडक्ट के बेस पर लिखना चाहो तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज यानी डी एक्स अपॉन डी टी और ये आपका प्लस का आ जाएगा ठीक है। अब देखो इसके लिए रेट लो लिखो तो रेट लो क्या बोलता है देखो रेट लो ये बोलता है कि जो रिएक्शन की रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ए माइनस एक्स की जीरो पावर के प्रोपोर्शनल होती है। जीरो ऑर्डर के लिए अगर हम रेट लो लिखेंगे ना तो रेट आपको पता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जीरो पावर के प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखो ये बची हुई है इसकी जीरो पावर के प्रोपोर्शनल तो रेट को हम ये लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी तो आपके पास हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आपके पास कॉन्स्टेंट आएगा और हम जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ रहे तो इसको मान लेते हैं के जीरो और किसी की पावर जीरो का मतलब होता है वन तो आपके पास ये आ गया। अब देखो यहां पर कर लेते हैं इसको अब डी टी इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो आपके पास ये हो गया डी एक्स इज इक्वल टू के जीरो डी टी। अब देखो यहां पर डी बाई डी टी आपको दिख रहा है तो आप ये बोल सकते हो इक्वेशन फर्स्ट इज डिफरेंशियल इक्वेशन फोर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो आपके पास ये आ गया
अब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो ऑन इंटीग्रेशन, तो अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये डीएक्स कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो बाहर निकाल लो डीटी। तो जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो डी हट जाएगा, तो अक्स बराबर के जीरो और डीटी का टी और प्लस सी, यहां पर सी आपका है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो ये मान लो आपके पास इक्वेशन टू है, तो एट टी बराबर जीरो आपका टाइम जीरो है, तो टाइम जीरो है तो ये कंडीशन लगाएंगे। देखो हम, अगर टाइम जीरो है तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो प्रोडक्ट नहीं बना, तो आपके पास ये अक्स बराबर जीरो आ जाएगा। तो ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी एंड अक्स इन इक्वेशन टू, कि ये वैल्यू अगर हम टू में पुट करेंगे तो देखो टी की वैल्यू जीरो तो ये पूरी टर्म जीरो, अक्स की वैल्यू जीरो तो ये जीरो, तो आपके पास आ गया सी बराबर जीरो। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन टू में पुट करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन टू, तो जैसे ही हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, देखो कि अक्स बराबर के जीरो टी, और ये मान लो इक्वेशन थर्ड है, तो ये जो थर्ड इक्वेशन आई है वो जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। तो आप लिख सकते हो इक्वेशन थर्ड इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो अक्स और टी में ग्राफ अगर हम खींचे तो इधर वाई एक्सिस पर तो मान लो आप अक्स, और अक्स एक्सिस पर मान लो आप टी। तो देखो आपको पता है कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके कांस्टेंट लगाते हैं तो कांस्टेंट को हटाएंगे तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी, तो आपके पास प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आती है ये लो, और उसका उसकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट के बराबर होती है, क्योंकि स्लोप आप जानते हो स्लोप आपकी टेन थीटा होती है, और टेन थीटा का मतलब आपके पास अक्स अपॉन टी, तो आपकी जो स्लोप है वो है टेन थीटा, वो हो जाएगी आपके पास ये आपका अक्स और ये आपका टी, यानी कि ये लो। तो देखो के आपके पास आएगा अक्स अपॉन टी यानी कि के नॉट ये स्लोप। तो स्टूडेंट्स इसको आप लिख लो, पहले ये लिखो उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो स्टूडेंट्स अब हम जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे। देखो हाफ लाइफ क्या होता है, कि वो टाइम जिस पर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ रह जाए, यानी कि हाफ का प्रोडक्ट बन जाए और हाफ बच जाए, उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं। तो सिंपली हम लिख सकते हैं द टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस्ड वन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, कि इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ रह जाए और हाफ का प्रोडक्ट बन जाए, उस टाइम को हम हाफ लाइफ बोलते हैं, और इसे टी हाफ से शो करते हैं। तो देखो आपके पास जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आई है वो ये है अक्स इज इक्वल टू के जीरो टी,
ठीक है। अब देखो टी की जगह हम टी हाफ ले लेते हैं, टी हाफ, ठीक है। तो आपके पास ये हो जाएगा अक्स अपॉन के जीरो। अब अक्स क्या है? प्रोडक्ट है, और हाफ लाइफ का मतलब कि रिएक्टेंट आधा प्रोडक्ट बन जाए, यानी कि आधा प्रोडक्ट, रिएक्टेंट भी आधा और प्रोडक्ट भी आधा, दोनों इक्वल इक्वल हो जाए, यानी कि रिएक्टेंट की इनिशियल कंसेंट्रेशन ए है, तो अक्स आपके पास ए बाई टू हो गया। तो आप बोल सकते हो कि टी हाफ इज इक्वल टू, अक्स की जगह हम लिख सकते हैं ए बाई टू, तो ये हो गया टू के जीरो। आ गई बात समझ में? देखो अक्स का मतलब है प्रोडक्ट, और हाफ लाइफ का मतलब वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट आधा प्रोडक्ट बन जाए, यानी कि आपका प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट का आधा हो गया। अगर रिएक्टेंट ए है तो प्रोडक्ट ए बाई टू हो गया। तो यानी कि देखो अब ये इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की ए मोल पर लीटर, स्मॉल ए मोल पर लीटर। अब देखो ये इस हाफ लाइफ के प्रोपोर्शनल है, तो आप ये लिख सकते हो यहां पर कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो क्योंकि ये आपका के जीरो है, ये भी कॉन्स्टेंट है और ये टू भी कॉन्स्टेंट है, जब इनको हटाओगे तो ये आपके पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन लग जाएगा कि रिएक्टेंट की अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो आपके पास हाफ लाइफ है वो ज्यादा होगा। अब रेट इस के जीरो की यूनिट निकाल लेते हैं, तो वैसे यूनिट तो लास्ट लेक्चर में भी बताइए, अब दोबारा बता रहा हूं। तो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट तो देखो यहीं से निकाल लेते हैं। देखो आपके पास के नॉट इज इक्वल टू आएगा अक्स अपॉन टी, ठीक है। अब अक्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। अब देखो कंसंट्रेशन चाहे किसी की होगी तो मोलरिटी, यानी कि मोल पर लीटर। अक्स की जगह हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर, और टाइम है तो आपका सेकंड, तो आपके पास के नोट बराबर आ जाएगा मोल और लीटर ऊपर आकर के इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो ये रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट होगी। तो स्टूडेंट्स इनको लिख लो आप। तो अब स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है कि जिसमें रिएक्शन की जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल होती है। तो देखो सिंपल हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो आप लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब देखो कोई रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं, लेट अस कंसिडर ए रिएक्शन। तो मान लो आपके पास ये कोई रिएक्शन है कि कोई रिएक्टेंट ए है वो प्रोडक्ट बना रहा है। तो देखो एट टी इज इक्वल जीरो, अब टी जीरो का मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, स्टार्ट नहीं हुई, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन, या फिर आप बोल सकते हो इनिशियल कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है स्मॉल ए मोल पर लीटर। अब जो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुए तो प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, तो इसकी कंसंट्रेशन जीरो मोल पर लीटर। अब एट टी टाइम, तो आपको पता है कि जैसे जैसे रिएक्शन होगी रिएक्टेंट कम होगा। तो मान लो इस रिएक्टेंट के ए मोल में से एक्स मोल प्रोडक्ट बन गए, तो यहां पर इसके कितने बचे a माइनस x, क्योंकि x प्रोडक्ट बन गए तो इससे तो कम हुए ना, और ये कितने बने x। तो स्टूडेंट्स अब इसके लिए आप रेट लिखोगे, तो रेट आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज और उसमें लगा टाइम, तो आप लिख सकते हो d a माइनस x अपॉन dt, ठीक है। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो हम माइनस का साइन,
और प्रोडक्ट के बेस पर लिखिए तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन लगा टाइम, तो ये रेट हो गई। अब इसके लिए रेट लो लिखें तो रेट लो कैसे लिखेंगे कि रेट प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर के, यानी कि ये रही फर्स्ट पावर। तो देखो तो रेट आपके पास क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा तो उसे हम रेट कांस्टेंट बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर है तो के वन मान लेते हैं और ए माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो रेट को हम ये लिख सकते हैं, तो आपके पास हो गया डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के वन ए माइनस एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, तो देखो डी बाई डी टी यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। तो इक्वेशन फर्स्ट इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको पता है कि ये डी टी इधर डिवाइड में है तो उधर आकर के मल्टीप्लाई में, और ये यहां पर मल्टीप्लाई में तो इधर आकर के डिवाइड में आ जाएगा। तो इस ए माइनस एक्स को इसके नीचे ले आओ, तो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स बराबर आपके पास हो गया के वन डी टी। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दो, तो देखो ऑन इंटीग्रेशन तो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, और कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है तो ये बाहर आ जाएगा डी टी। अब देखो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, देखो डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स, तो यहां पर आपके पास इसका फॉर्मूला होगा, आपके पास हो जाएगा एल एन और ये माइनस का ए माइनस एक्स बराबर के वन डी टी का टी, और ये इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है। और ये आपका कहां से आया कि आपने ये बताया है, यहां पर लिख देता हूं कि डी एक्स अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एल एन एक्स। अब देखो यहां पर होगा एल एन ए माइनस एक्स, और यहां पर अगर माइनस है तो हमने पहले माइनस लगा दिया, आगे बात समझ में। अब देखो एट टी बराबर जीरो, अगर t बराबर जीरो यानी कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो प्रोडक्ट नहीं बना है, प्रोडक्ट है x तो आपका x भी जीरो हो जाएगा, तो x बराबर जीरो, तो ये वैल्यूज इसमें पुट कर दो, तो ये मान लो आपके पास इक्वेशन टू है, ठीक है। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ t एंड एक्स इन इक्वेशन टू, तो टी जीरो तो ये टर्म जीरो, एक्स की जीरो तो ये जीरो, तो यानी कि आपके पास सी बराबर आ गया माइनस एल एन ए, और ये मान लो इक्वेशन थर्ड। तो अब इस सी की वैल्यू आप इक्वेशन टू में दोबारा रखो, तो बाय पुटिंग the value of c from equation 3 into equation 2, तो देखो यहां पर लिख लेते हैं। अब तो c की वैल्यू आप यहां पर रखोगे तो आपके पास आ गया माइनस एल एन ए माइनस एक्स बराबर के वन टी, और c की वैल्यू है आपके पास माइनस एल एन ए, तो ये आपके पास हो गया माइनस एल एन ए। तो स्टूडेंट्स अब देखो ये माइनस का है, इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास आ गया के वन टी बराबर एल एन ए और माइनस एल एन ए माइनस एक्स, क्योंकि देखो ये इधर आकर के प्लस का हो गया और ये माइनस का है ही। तो देखो अब आपके पास एक और फॉर्मूला बन गया, देखो इसको तो मान लो a, इसको मान लो b, तो एल एन ए माइनस एल एन बी का फॉर्मूला होता है एल एन ए अपॉन बी। तो देखो के वन टी बराबर आपके पास हो गया एल एन, ये तो a है तो ऊपर आ जाएगा और ये b है तो नीचे आ जाएगा।
ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि एल एन ए माइनस एल एन बी बराबर होता है एल एन ए अपॉन बी। ध्यान रखना। अब देखो टी आपका इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो आपके पास हो गया के वन बराबर इधर डिवाइड में आएगा वन अपॉन टी और एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स देखो ये एल एन नेचुरल लॉग है, अब इसको हम लॉग में चेंज करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है एल एन बराबर 2.303 लॉग। तो आपके पास ये अगर वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें तो के वन बराबर 2.303 अपॉन टी और लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो ये इक्वेशन को हम मान लेते हैं फोर। तो ये जो इक्वेशन है फोर, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। तो हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन फोर इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स आप इसको लिखो, इसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हाफ लाइफ और इसके लिए इंटरवल फॉर्मूला वो कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि कौन कौन से ग्राफ बनेंगे। तो पहले तो आप फर्स्ट ऑर्डर की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो लिख लो। तो वो है हमारे पास के वन इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी और लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स टी को आप इधर ले आओ, के वन को इधर, तो टी बराबर आपके पास हो गया 2.303 अपॉन के वन और लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब देखो इसमें टी में और लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स में ग्राफ खींचेंगे, तो वाई पर तो ले लो आप लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स को और एक्स पर ले लो आप टी को। तो स्टूडेंट देखो 2.303 और के वन ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, कि 2.303 तो नंबर है कांस्टेंट है और केवन आपका रेट कांस्टेंट है। जब प्रोपोर्शनलिटी हटा करके कांस्टेंट लगाते हो तो कांस्टेंट हटा करके आप प्रोपोर्शनलिटी लगा सकते हो, तो आपके पास ये हो सकता है ना कि लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, और प्रोपोर्शनलिटी का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन में आता है और जिसकी जो स्लो ग्राफ की जो स्लोप होती है वो आपके पास कॉन्स्टेंट के बराबर होती है। तो आप ये लिख सकते हो, तो कॉन्स्टेंट आपका यह है 2.303 अपॉन के वन, क्योंकि ये हमने कांस्टेंट हटाया है ना, तो जो ग्राफ की जो स्लोप होती है वो कांस्टेंट के इक्वल होती है 2.303 अपॉन के वन। ठीक है, अब देखो इसी से हम दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आपके पास मान लो ये है के वन बराबर 2.303 अपॉन टी और लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। इस ग्राफ को ध्यान से समझना। अब देखो मैं टी को इधर ले आऊंगा तो ये टी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 2.303 को इधर ले आऊंगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो आपके पास हो गया के वन टी अपॉन 2.303 इज इक्वल टू लॉग। अब देखो इसको वापस ओपन करूंगा, लॉग ए अपॉन बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान देना, अगर मैं इस लॉग ए माइनस एक्स जो कि माइनस का है इधर लाऊंगा तो प्लस का, और ये प्लस का है उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास हो गया लॉग ए माइनस एक्स बराबर लॉग ए और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के वन अपॉन 2.303 और ये टी। ठीक है, अब देखो ग्राफ बनाते हैं वाई बराबर एम एक्स और ये सी। तो आपको पता है इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा आता है, तो ये लो वाई एक्सिस पर तो हमें लेना है इसको, देखो वाई लिखा हुआ है लॉग ए माइनस एक्स और एक्स एक्सिस पर देखो टी को लेना है आपको, ये लो टी। ठीक है, और अगर स्लोप देखो स्लोप होती है एम, अगर स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा आता है और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा आता है। तो स्लोप आपकी नेगेटिव है तो ग्राफ आपका ऐसा आएगा। ठीक है, तो स्लोप आपकी
एम होती है तो स्लोप क्या है, -K1/2.303। और देखो सी आपका इंटरसेप्ट होता है ग्राफ के नीचे का पार्ट, तो देखो ये इतना इंटरसेप्ट आपके पास, तो आप लिख सकते हो ये आपका है लॉग ए। तो स्टूडेंट्स दोनों ग्राफ को बनाओ। तो स्टूडेंट्स अब हम हाफ लाइफ पढ़ते हैं। देखो हाफ लाइफ की डेफिनेशन तो आपको मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बता चुका हूं कि वह टाइम जिस पर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी रह जाए, और आधी का मतलब जब रिएक्टेंट आधा बचा है तो आधा क्या बन गया, प्रोडक्ट। यानी कि आपको अक्स जो हम प्रोडक्ट मान रहे हैं उसको इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल ए मान रहे हैं, तो उसका हाफ करना है तो ए बाई टू। तो आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है T=2.303/K और log A/A-X। अब आप जानते हो कि T को तो आपको T हाफ लेना है, 2.303/K1 और log A/A-X की जगह आपको A बाई टू, क्योंकि प्रोडक्ट आधा हो जाएगा ना इनिशियल कंसंट्रेशन का। तो देखो ये पूरा है और ये हाफ है, तो इस एक में से आप हाफ, वन में से हाफ माइनस करोगे तो आपके पास हाफ बचेगा, तो आपके पास हो जाएगा 2.303/K1 और log A/A/2। ये वन और ये हाफ, तो हाफ बचा, A बाई टू बचेगा तो टू ऊपर आ जाएगा, तो ए से ए कैंसिल और ये बन गया लॉग टू। तो टी हाफ बराबर 2.303/K1 और लॉग टू की वैल्यू होती है 0.3010। तो आपके पास टी हाफ आ जाएगा। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 0.693/K1। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का कहीं नाम ही नहीं आ रही कंसंट्रेशन, पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट आ रहा है। यानी कि आप कह सकते हो कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन कर सकते हो, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट निकाल लेते हैं। तो देखो तो आपके पास ये जो इक्वेशन है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं K1=2.303/T और log A/A-X। देखो वैसे मैं रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन इससे कैसे निकालते हैं वो भी बता सकता हूँ। तो देखो ये क्या है कंसंट्रेशन, ये क्या है कंसंट्रेशन, कैंसिल आउट। 2.303 एक कॉन्स्टेंट है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। देखो ए माइनस अक्स ये ए है तो कंसंट्रेशन ही, तो कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कैंसिल आउट ऐसे तो नहीं करनी है, जब यूनिट निकाले तब कर देनी। तो K1 बराबर आपके पास हो जाएगा, सिर्फ T नीचे बचा है तो 1/2, यानी कि K1 हो जाएगा आपका सेकंड इनवर्स। कि फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कॉन्स्टेंट है ना वो भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, देख लो। तो द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो स्टूडेंट्स कॉपी करो इनको। अब हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटरवल फॉर्मूला यूज लेते हैं। देखो इंटरवल फॉर्मूले का मतलब है हमें दो टाइम लेने होंगे है ना, एक T1 और एक T2। अब ये यूज कब करते हैं, जब रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का हमें पता ना हो। तो रेट कैसे निकाले, तो हम इंटरवल फॉर्मूले से निकालेंगे। तो देखो व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज
अननोन, देन इंटरवल फॉर्मूला इज यूज्ड। अब देखो दो टाइम मान लो एट टी बराबर टी वन पर आपकी जो कंसंट्रेशन है रिएक्ट प्रोडक्ट की अक्स बराबर हो गया आपके पास अक्स वन, ठीक है। तो देखो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी कि टी वन इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के वन और लॉग ए अपॉन ए माइनस अक्स वन। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो आपकी। ऐसे ही एट टी बराबर टी टू पर आपका जो प्रोडक्ट है वो होगा अक्स टू, क्योंकि अलग होगा, तो आपके पास टी टू बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन के वन और लॉग ए अपॉन ए माइनस अक्स टू। ये इक्वेशन टू। अब इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन माइनस कर दो तो इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन, तो देखो आपके पास हो जाएगा टी टू माइनस टी वन। देखो इसमें से ये माइनस कर दो, अब इसमें से आप ये माइनस कर दो तो 2.303 अपॉन के वन और लॉग ए अपॉन ए माइनस अक्स टू माइनस 2.303 अपॉन के वन और लॉग ए अपॉन ए माइनस अक्स वन। तो देखो ये कॉमन आ रहा है आपका, तो टी टू माइनस टी वन बराबर 2.303 अपॉन के वन, ये कॉमन आ गया। और अब देखो ध्यान देना, आपके पास ये बचा है लॉग ए अपॉन ए माइनस अक्स टू माइनस लॉग ए अपॉन ए माइनस अक्स वन। अब जो इस पूरे की जगह मान लो ए और इस पूरे की जगह मान लो बी, तो ये बन गया ना लॉग ए माइनस लॉग बी, और लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए अपॉन बी। तो आप ये लिख सकते हो टी टू माइनस टी वन बराबर 2.303 अपॉन के वन और लॉग ए की जगह तो ये है ए अपॉन ए माइनस अक्स टू, और बी की जगह ये है, तो आपके पास ए और अक्स वन ऊपर चला जाएगा ए माइनस अक्स वन, तो आपके पास हो गया ए माइनस अक्स वन, तो इससे ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया देखो टी टू माइनस टी वन बराबर 2.303 अपॉन के वन और लॉग ए माइनस अक्स वन अपॉन ए माइनस अक्स टू। तो ये आपका इंटरवल फॉर्मूला है। तो देखो इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन कहीं पर भी नहीं है, तो जब आपको इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं पता हो तब हम इंटरवल फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो आप लिख लो, तो स्टूडेंट्स ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इनके एग्जाम्पल्स एक दो आप याद रखना। जैसे जीरो ऑर्डर में लगभग सारी गैसेस जो रिएक्शन होती है वो जीरो ऑर्डर होती है। जैसे मान लो अमोनिया का डिकम्पोजिशन है ना, और H2 प्लस Cl2 2HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन, तो ये जीरो ऑर्डर होती है। और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो जितने भी रेडियो एक्टिव डिके हैं वो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। अमोनियम नाइट्राइट का डिकम्पोजिशन है, जो आइसोप्रोपेन का डिकम्पोजिशन है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। तो आप एक तो एग्जाम्पल दोनों जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के याद रखना। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कैटेलिस्ट का इफेक्ट, उसमें दो ग्राफ बनेंगे, ठीक है। आरहेनियस थ्योरी यानी कि टेम्परेचर का इफेक्ट, मैक्सवेल बोल्ट्जमान का ग्राफ, कोलिजन थ्योरी, तो ये पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को सबसे पहले देखो, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।